वो सुनता नहीं है और सिगरेट का ढक्का मार रहा है, उससे बात कर रहा है बैठ के, इससे बात कर रहा है ब्लॉक के अंदर, जाले ब्लॉक में। अच्छा, 15 साल है अभी? हाँ, 15 साल हो गया। तो गुंडागर्दी करके पैसा की बदौलत मुखिया जीतता है, पैसा पर जीतता है सब। नमस्ते नमस्कार, मैं बादिंदा फैजी मिथिला लाइव 24 से। मिथिला लाइव 24 निकल चुका है चुनावी यात्रा पर। अभी मैं मौजूद जाले प्रखंड के अंतर्गत काजीबाना पंचायत। टोटली जो नल जल योजना जो है लगभग एक बड़ा सवाल बन चुका है ये वाला नल जल। अब ये इसी वार्ड का पानी टंकी है, 4 नंबर का पानी टंकी जो कि 4 नंबर वार्ड का है, लेकिन यहाँ से अब तक जल लोगों तक नहीं पहुँच पाता है, ये एक बड़ा सवाल है लोगों का। काजीबाड़ा पंचायत के 1 नंबर वार्ड की ये पानी टंकी है, जिसके करीब कचरे का ढेर साफ देख पा रहे हैं, जो कि काफ़ी नुकसानदेह और काफ़ी हानिकारक भी है। ये पानी टंकी तो बन चुका है, लेकिन लोगों का कहना है कि सालों से खराब पड़ा है ये पानी टंकी। चलिए जानते हैं इनके साथ, सीधी बातें करेंगे जी। आप अपना नाम बताएंगे? सुगारत चपाल जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, हम कहना चाहते हैं, मैं 7 साल से मर रहा है, राशन कार्ड नहीं बन रहा है और गिरफ्त कराते कराते आधार कार्ड खत्म हो गया। ठीक है, उसको बाद में वार्ड नंबर के दिए और वहाँ ला के गया, बार बार उसको खोचारा देते थे, भैया राशन नहीं आया, और वो पीछे जा करके जला देता था जाले में। ये जो है ब्लॉक में जाके एक काम करता था, पीछे से कुर्सी पर जाकर के ऐसे के, भाई साहब आपसे मैं बात करना चाहते हैं, वो सुनता नहीं है और सिगरेट का ढक्का मार रहा है, उससे बात कर रहा है बैठ के, इससे बात कर रहा है ब्लॉक के अंदर, जाले ब्लॉक में। तो क्या मतलब आपने अभी कहा कि जिरॉक्स कराते कराते आधार कार्ड कम पड़ गया, यानी खत्म पड़ गया, जैसा आपने अपने भाषा में कहा, लेकिन क्या लगता है आपका कार्ड हो पाएगा? हमको तो विश्वास नहीं है, वो तो जला देता है। यानी आपने अब तक इतना लुटाया है कि विश्वास भी खत्म हो चुका है? खत्म में है, ये एक को खुटरी नहीं, 11 खुटरी होता है जी। लेकिन एक खुटरी भी नहीं है जी। जब एक आदमी के भेजे, ये हो रहा 1 महीना, तो मैंने भेजा कि राशन कार्ड दोबारा बन रहा है, तो दरभंगा जा करके जमा कराया, और उसको बाद में कोई पता नहीं लगा, आ जाएगा कल, आएगा आ जाएगा कल, हो गया। और भी सरकारी योजनाओं सबका लाभ मिल पाता है? नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। काजीबाड़ा पंचायत के वार्ड नंबर 4 में एक ऐसे जगह पर मैं आपको लेकर आया हूँ जहाँ जल जमाव हमेशा से बनकर रहता है तनाव। आखिरकार यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे ये कब से है ऐसा और आखिर क्या है इसकी हकीकत। चलिए सबसे पहले यहाँ के लोकल लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल साफ देख पा रहे हैं कितनी कठिनाइयों का सामना हो पा रहा है। चलिए, यहाँ आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? ये जो एक मोहल्ले को जोड़ने वाला सड़क है ना, ये मेन रास्ते पे ये मेन सड़क है, तो क्या ये नाला कब से ऐसा है? ये साल भर हो गया, लेकिन इसको बनाया नहीं क्या अच्छे से? नहीं बनाया। तो इसका जो पानी जो निकलता है ये कहाँ जाता है? पानी निकलता कहाँ है, रोड पर निकलता है, रोड पर होता है, तब ये बनाया जाता है। तो जब बहता है तो तभी तनाव होता है, तभी दिक्कत होता है ना, और यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा दिक्कत होता है। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, महिलाएं भी, इनसे भी जानना चाहेंगे। ये मोहल्ले को मेन रोड से जोड़ने वाला मेन सड़क है, ये मेन रास्ता आपके मोहल्ले का, तो क्या ये जो नाला इस तरह से बिल्कुल खुला छूटा हुआ है, ये आप दिखाना चाहेंगे हम आपको कैमरे में? ये नाला बिल्कुल खुला छूटा हुआ है जी। आप कुछ कह रहे हैं? बच्चा भी गिर गया है ना, यानी कि ये नाला ही नहीं बल्कि जान के लिए भी एक चेतावनी बन चुका है, जानलेवा नाला बन चुका है ये। और आप रोड के दोनों साइड आप हमारे कैमरा में देख पाएंगे, रोड के दोनों तरफ दूर दूर तक नाला नहीं दिख पा रहा, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर और भी बुजुर्ग व्यक्ति है, उनसे भी जानना चाहेंगे जी। आप यहीं के रहने वाले? हाँ सर, हम यहीं। आप अपना शुभ नाम बताएंगे? क्या नाम है? ये जो सड़क और नाला ये सब का जो मैटर है, क्या कब से है ऐसा बताना चाहेंगे आप? ये हम जब से हो संभाले जब से, यानी कि अभी पिछला 5 साल जो अभी वर्तमान 5 साल रहा है मुखिया का, ये इस वर्तमान मुखिया ने भी या पंचायत समिति वगैरह ने भी कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं, 5 साल का, 15 साल मुखिया का हो गया। अच्छा, ये मुखिया है अभी? हाँ, 15 साल हो गया। तो गुंडागर्दी करके पैसा की बदौलत मुखिया जीतता है, पैसा पर जीतता है सब, नाला बने, रोड बने चाहे नहीं बने, उससे का मतलब। आप बुजुर्ग व्यक्ति है, वृद्ध है, क्या वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? नहीं नहीं मिलता।
और ये सड़क कब से ऐसा है? ये सड़क तो कुछ ही दिन ऐसा बना, इससे पहले तो और भी बेकार था। तो क्या नाला नहीं है? नाला जब नहीं है तो बरसात के मौसम में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हो? जी बहुत सामना करना पड़ता है। आप ऑटो चालक है? जी। तो आप तो हमेशा आते जाते हैं, तो क्या इस पे जैसे कि लोगों के द्वारा या आप लोगों के द्वारा मुखिया जी को नहीं कहा गया? मुखिया जी को कहा जाता है लेकिन मुखिया जी कोई कार्रवाई नहीं करते। कोई कार्रवाई नहीं करते? जैसा कि आपने सुना कि मुखिया तक तो बात पहुंचती है लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। चलिए, आप यहीं के रहने वाले हैं? वृद्धा पेंशन नहीं मिला? वृद्धा इंदिरा आवास प्रधानमंत्री योजना का मिला है फंड? घर के लिए पैसा मिला है? कितना मिला? कितना मिला? खा गए चोरवा सब खेले है। कितना खाया बताया, वही तो जानना चाह रहे हैं। यानी 15,000 रुपया कम दिया गया है। और भी कुछ कहना चाहेंगे? नल जल का जो है, जल आता है आपके घर तक? ना, ना। नहीं आ पाता है। जैसा कि आपने सुना कि इंदिरा आवास योजना में भी 15,000 रुपए कम राशि दिया गया और टोटली जो नल जल योजना जो है लगभग एक बड़ा सवाल बन चुका है। ये वाला नल जल दोनों साइड दूर दूर तक, दोनों साइड दूर दूर तक नाला नहीं नजर आ रहा है। और ये इसी वार्ड का पानी टंकी है, 4 नंबर का पानी टंकी जो कि 4 नंबर वार्ड का है, लेकिन यहाँ से अब तक जल लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। ये एक बड़ा सवाल है लोगों का, लोगों को असुविधाएं होती हैं। और वही कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये भी है, पिछला 5 साल और ये वर्तमान 5 साल बिल्कुल ही फ्लॉप रहा है। ये रोड पास है, एक मोहल्ले को जोड़ने वाले सड़क की ओर मैं आपको लेकर आया हूँ। ये एक ऐसा सड़क है जो कि एक मोहल्ले को मेन सड़क तक लाती है। कहीं ना कहीं मैं इस सड़क के बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि ये सड़क कब से ऐसा है, यहाँ पर रहने वाले लोगों से जानना चाहेंगे। और जी बताइए, इस सड़क कहिया से है? कहिया से? बहुत दिन से। बहुत दिन से है ना? मुखिया जी से कह लिया यहाँ सब नहीं सुना है? कथी कहे तो इतने पानी जो हेले छे अहां तो मुखिया जी के शिकायत नहीं करिए? जैसा कि आपने सुना, ये एक ऐसा सड़क है जो कि मेन सड़क तक जाती है। एक मोहल्ले से निकलकर मेन सड़क तक आने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और रही सवाल बच्चों के भविष्य का, तो बच्चे जब अपने शिक्षा स्थान तक जाते हैं, स्कूल तक जाते हैं, तो बरसात के मौसम में अपने पढ़ाइयों को भी नुकसान करना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं सरकार से यहाँ के लोगों की पुकार है और बड़ा सवाल है। जी आप अपना परिचय बताएंगे? श्री लाल मोहन चौपाल। जी सर, आप कुछ कह रहे थे जनता के ऊपर, जनता किस लायक है बताना चाहेंगे आप? लायक वाली बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, साथ नीचे हम लोग को मिला तो पैसा तो मिला मुखिया को, तो मुखिया हम लोग को जो है गली नली करने के लिए पैसे नहीं दे रहा है, तो हम लोग किस विषय पे काम करें? पब्लिक बोलते हैं कि भाई चलिए मुखिया के पास बोलने के लिए, कोई पब्लिक जाता भी सर नहीं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं मुखिया या जो भी प्रतिनिधि होते हैं या जो नेता होते हैं, उन्हें पब्लिक क्यों चुनती है? अपने काम के लिए ना? अपने पब्लिक को अगर खुद ही काम करना हो तो फिर नेता क्यों बनाएगा? सही बात है। तो फिर आपने कहा कि पब्लिक को मैं बोलता हूँ चलने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से सवाल खड़ा होता है कि आपने पब्लिक को किस लायक मतलब समझा है या क्या क्या लाभ दिलवाया है? लाभ दिलवाया क्या? पब्लिक के अगर मुखिया अगर पब्लिक को बोल देते हैं कि भाई नहीं मेंबर ये सही काम नहीं कर रहे हैं, तो पब्लिक बुझ जाते हैं। बाकी वही मेंबर बोलते हैं तो उस वार्ड को कोई इलाज ही नहीं करते हैं। तो पिछले 5 साल के कार्यकाल में क्या सब लाभ मिला आपके वार्ड को, मैं बता पूछना चाहूंगा? हमारे वार्ड में तो सिर्फ नल जल बना है और इसके अलावा नल का जल चालू है, चालू हर घर में। कौन से वार्ड से है? 3 नंबर वार्ड से। 3 नंबर वार्ड से। और सड़क और नाला अभी कम्प्लीट है आपके क्षेत्र का? नहीं, कम्प्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं हो पाया है? मुखिया जी से पैसे मांग रहे हैं, नहीं दे रहे। और क्या कहते हैं मुखिया जी? कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है। स्वागत है मिथिला लाइव 24 में। हमारे साथ हैं सीधी बातें करने के लिए काजीबेरा पंचायत के वार्ड नंबर 2 के मेंबर। जी आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। जी सर, यह बताएंगे आपके पिछले 5 साल के कार्यकाल में आप लोगों को क्या फंड मिल पाया? देखिए, हम लोग को फंड दिया था सरकार 31-32 लाख रुपए का। जी जी, सरकार का सिफारिश था जी। मगर हम लोग को अभी जो पानी की टंकी का जो है 18,31,000 रुपया का फंड था जी, जिसमें एक बार 8 लाख रुपया मिला, एक बार 5 लाख रुपया मिला। अभी काम अधूरे पे पड़ा हुआ, बाकी 8 नंबर में 53 लाख रुपया का काम हुआ, 9 नंबर में भी 50 लाख का काम हुआ, 4 नंबर में 39 लाख का काम हुआ। या सारे पैसे को काट के जितने जो बाकी जो वार्ड है उसका पैसा उसमें खर्चा कर दिया मुखिया।
मुखिया जी ने, हाँ मुखिया तो पैसा मांगा था 10%। तो सर मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल करना चाहूंगा कि जो आपने 18 लाख कितना बताया था, 31,900 रुपया, 18 लाख 31,900 रुपए के फंड में, ये आपका निजी फंड था, तो इसमें कितना राशि का, कितने रकम का आपने जनता को लाभ दिला पाया? वही 13 लाख रुपए लाभ दिला पाए हैं। बाकी तो के बाकी के 5 लाख वो भी तो पैसा मिले नहीं, 5 लाख मिला ही नहीं है। और फिर से 5 साल का कार्यकाल समाप्ति पे है, बिल्कुल खत्म होने पे है, फिर से इलेक्शन की तैयारियां हैं, तो क्या अब ये बचे हुए राशि का लाभ जनता को मिल पाएगा? देंगे जब मुखिया पैसा देगा, जब नहीं लाभ मिल पाएगा। ये कब से ऐसा है? ये तो सर 18-19 में हमारा वार्ड चयनित हुआ था दोनों। अच्छा अच्छा, और तभी से ऐसा जो भी रोड मेरा बना हुआ अनलीगल जबरदस्ती बनाया गया है, इसका रिपोर्ट हमने डीएम को भी दिया। किनके द्वारा जबरदस्ती किया गया? मुखिया द्वारा, उसका गुंडा रखे हुआ है, एसटी बना के केस भी हम पे चल रहा है, एसटी का आपके ऊपर। जी जी, और भी कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? हमने 3 बार वीडियो साहब को दिया रिपोर्ट, 3 बार डीएम साहब। किस चीज का रिपोर्ट दिया आपने? घोटाला हो रहा है। अच्छा अच्छा, पंचायत में किनके खिलाफ आपने किया था? जी जी, लेकिन अब तक कोई, अब तक ऐसा कोई आश्वासन या कोई ऐसा जवाब नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ, कहीं से कोई एक्शन नहीं हुआ, वीडियो ही मैन इसका गुंडा है। स्वागत है मिथिला लाइव 24 में। अभी मैं मौजूद जाले प्रखंड के अंतर्गत काजी बहरा गांव में पंचायत, काजी बहरा पंचायत के मुखिया जी के साथ। चलिए सीधी बातें करते हैं, सबसे पहले इनका परिचय जानना चाहूंगा। आज आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम महेश प्रसाद। जी सर, आपसे पिछले 5 साल ये जो वर्तमान आपका जो रीजन रहा, ये 5 साल किस तरह से लोगों को लाभ दिला पाया, किन किन योजनाओं का लाभ मिल पाया, ये सब बताएंगे। यहाँ वृद्धा पेंशन से लाभ हुआ है, प्रधानमंत्री आवास से लाभ हुआ है, गली नाली से लाभ हुआ है, रोड से लाभ हुआ है, अन्य विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो भी है सरकार द्वारा, वो सबसे लाभान्वित हुए हमारे जनता। लोगों का कहना है खासकर नल जल योजना पे बहुत सारे लोग मतलब उभर करके सामने आए, एक बड़ा सवाल बन करके सामने आया है, तो इस पर आप क्या चर्चा करना चाहेंगे? सबसे पहली बात है कि नल जल योजना जो सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, ये नई योजना है, इसके बारे में किसी भी प्रतिनिधि को या पदाधिकारी को या कर्मचारी को पहले से जानकारी नहीं थे कि यह योजना का क्रियान्वित कैसे हो धरती पर। सबसे पहली बात है, सरकार द्वारा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन किया गया हर वार्ड में। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति लगभग हर जगह सही नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि उसमें अध्यक्ष बनाया गया वार्ड सदस्य को, वार्ड सदस्य लोग उतने सामाजिक सोच के व्यक्ति भी नहीं है और पढ़े लिखे व्यक्ति भी नहीं है, और उस समिति में सचिव का चुनाव किया गया सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार। सचिव का मतलब होता है जितने भी लेखा पंजी हो या कार्यान्वित करने के लिए जो भी पंजी हो उसको प्रबंधन करना है, जो सचिव द्वारा नहीं हो पा रहा है। सर आप वार्ड सदस्य की बात कर रहे थे, आपकी ही पंचायत के अंतर्गत कुछ वार्ड सदस्यों का ये क्लेम है जिस पे मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि मुखिया जी के द्वारा मतलब पेमेंट मतलब रोक दिया गया है, तो आखिरकार इसका क्या रीजन है, ये आप क्लियर करना चाहेंगे? और जैसे वार्ड नंबर 3 वार्ड नंबर 2 के वार्ड सदस्य का ये कहना है। मेरे पंचायत में 13 वार्ड है, 13 वार्ड में 11 वार्ड में पैसा का हस्तांतरण कर दिया गया, बचा 2 वार्ड, 2 वार्ड में भी 15-15 लाख रुपए का हस्तांतरण कर दिया गया, और 15-15 लाख का हस्तांतरण तो हमने कर दिया पंचायत से वार्ड में। 15 लाख रुपए का काम होनी चाहिए था ना, अभी तक 15 लाख रुपए का काम नहीं हो पाया, 10 लाख का भी काम नहीं हो पाया, तो उसको फिर पुनः कैसे हस्तांतरित किया जाए, रह गई ये प्रथम बात है। दूसरी बात है कि पंचायत के 7 निश्चय योजना में पैसा नहीं, तो मैं कहां से हस्तांतरित कर पाऊं? तो सर 7 निश्चय योजना के तहत जो है लोगों का मतलब चर्चा जैसे कि शौचालय योजना पे है और प्रधानमंत्री आवास योजना पे, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 20-25 हजार रुपए लिए जा रहे हैं, शौचालय योजना पे 2 हजार रुपए लिया जा रहे हैं, तो ये आप स्पष्ट करके बताना चाहेंगे? ये सारी बातें निराधार है,
सबसे पहली बात है कि 2011 में जनगणना हुआ था, उसके आधार पर राशन कार्ड का भी राशन कार्ड बना करके वितरण किया गया और उसी के आधार पर आवास का भी लिस्ट बनाया गया। ऊपर से ही जितना लिस्ट था इस पंचायत को सबको कर दिया गया है, अब जीरो है। उसके बाद अब लिस्ट का आवंटन होगा तो फिर जैसा सीट बनेगा फिर दिया जाएगा सरकार जनता को। अभी तो सीट भी नहीं है, लिस्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि सर आपके वार्ड नंबर 4 में एक ऐसा सड़क एक ऐसा नाला का मतलब मैटर सामने आया है जो कि मतलब अधूरा है, जिसमें लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये लोगों का मतलब ये है कि सर आपके बारे में बता रहे थे कि मुखिया जी ने बनवाया है, बहुत अच्छा हम लोगों के लिए एक बड़ा सहूलत हुआ है, लेकिन रोड अच्छे से नहीं बनने की वजह से बच्चे अक्सर जो है गिरते हैं, ये सब जो है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि अंतिम होते होते जो है वो बन पाएगा या नहीं? नहीं, ये जनता का कहना बिल्कुल सही है, अधूरा है। उसमें हुआ क्या, ऊपर से कहा गया कि नल जल और गली नाली योजना, तो हम लोग के मन में यह हो गया कि नल जल भी काफी काम कराएंगे और गली ना, उसके कारण पानी का जो बहाव होगा तो नली गली बनाएंगे तो भी पानी का बहाव होगा। तो हमने वहां पर नाली और रोड गली है उसको बना दिया, लेकिन छोटा सा नाली है उसको बड़ा मोहल्ला के बड़ा नाली में कलवर्ट करना था, तो पैसा ही नहीं आया साथ निश्चय में, इसलिए वो नाली बड़ा नहीं बन पाया। इसलिए सोचते हैं कि बड़ा नाली जब बन पाएगा तो उस नाली को उसमें कंटेक्ट करके तो पुनः उसको फिर ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन पैसा आने पर सबसे प्राथमिकता मैं उसको दूंगा और चाहेंगे कि मार्च तक के अंदर हो जाए वो काम, कि उसको जो है इलेक्शन से पहले कोशिश हो गया। बिल्कुल, चलिए जनता के लिए एक बड़ा मैसेज रहा, आपने सुना बिल्कुल साफ और सही सुन पा रहे हैं कि मुखिया जी ने बिल्कुल वादा कर दिया है कि इलेक्शन से पहले उस समस्या को बिल्कुल हल कर दिया जाएगा, समाधान कर दिया जाएगा। इसी के साथ मिथिला लाइव 24 से मैं बात करती हूं।